सो हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की एक नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ और आज मैं आपको एक लेटेस्ट एआई वेबसाइट के साथ मुतारफ़ करवाने जा रहा हूँ। और उस वेबसाइट से आप अपनी कोई भी इमेज को एडिट कर सकते हैं और उस इमेज को आप किसी भी स्टाइल में, किसी भी वेरिएंट में, कोई भी फ़िल्टर लगा के आप सिर्फ प्रॉम्प्ट आपने टाइप करनी होती है और उसको आप एआई की मदद से एडिट करवा सकते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो सबसे पहले आपने अपने ब्राउज़र में आना है और यहाँ पे प्लेग्राउंड आपने प्लेग्राउंड एआई टाइप करना है, ठीक है। ये उनके लिए है जो नए हैं, जिनको ऊपर वाला एड्रेस का आइडिया नहीं होता, उनके लिए मैंने सिर्फ ये टाइप किया है। जैसे आप इस पर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ज्वाइन करना होगा अपनी जीमेल आईडी के साथ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारी इमेजेस देखने को मिल जाएंगी जो कि इन्होंने प्रॉम्प्ट के ज़रिए एडिट की हैं, और आपने सिर्फ अपनी इमेज अपलोड करनी है इस वेबसाइट में और इसको प्रॉम्प्ट देनी है और कुछ नेगेटिव प्रॉम्प्ट देनी है जो आप अपनी इमेज के अंदर नहीं चाहते, तो आपकी जो इमेज है वो एडिट होके आ जाएगी। तो सिंपली आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये एक नई टैब के अंदर ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपने क्या करना है, अपनी इमेज को अपलोड भी करना है और साथ यहाँ पे इंपोर्ट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आपने सिंपली अपनी वो वाली इमेज उठानी है जो आप इसको एडिट करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपने इनमें से कोई भी प्रॉम्प्ट आपने कॉपी कर लेनी है। आप देख सकते हैं कौन सी आपको ज़्यादा अच्छी लगती है, किस तरह की आप इसमें एडिट करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो उसी लिहाज से आपने अपनी जो है इमेज की सिलेक्शन करनी है। इसके बाद आपने उसको कॉपी करना है उस प्रॉम्प्ट को और यहाँ पे जाके आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट का इंस्ट्रक्शन का शो हो रहा होगा, वहाँ पे आपने अपनी प्रॉम्प्ट यहाँ पे टाइप कर देनी है। इसके अलावा यहाँ पे एक कस्टम का ऑप्शन है, आप इसको नन भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप अगर इस इमेज के अंदर कोई ब्लरी चीज़ या जो भी चीज़ नहीं एडिट करवाना चाहते या जो भी प्रॉम्प्ट देना चाहते हैं वो कलर चेंज ना हो या ये कोई भी इस तरह का आप इंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप हर इमेज को सिलेक्ट करोगे तो उसके अंदर पॉजिटिव प्रॉम्प्ट भी होगी और नेगेटिव भी होगी। तो अगर तो सिंगल है तो सिंगल आप कर लें। इसके बाद आपने जनरेट पे क्लिक कर देना है और ये कुछ ही सेकंड के अंदर जो एडिट होगी और जो आपने प्रॉम्प्ट यहाँ पे टाइप की थी उसी की तरह की ये आपको शो करवा देगी, क्योंकि हमने जो अभी टाइप की थी वो इस तरह की थी, तो ये काफ़ी हद तक इसने जो उस इमेज को, अगर इसको प्रीव्यू किया जाए तो इसने काफ़ी हद तक उस इमेज के साथ का इसको बना दिया है, ठीक है। इसके अलावा आप डिफरेंट यहाँ पे प्रॉम्प्ट टाइप कर सकते हैं और इसको अगर सेव करना चाहते हैं सेव कर सकते हैं, नहीं तो कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे कुछ और प्रॉम्प्ट यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे एक ये है प्रॉम्प्ट, इसके साथ भी एक ही है, नेगेटिव इसकी नहीं है, तो इसी तरह आपने ढूंढ लेनी। जैसे ये है, इसके अंदर देखें रिमूव फ्रॉम इमेज, इमेज के अंदर जो भी वाटरमार्क आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है, जो भी आ रहा है वो रिमूव कर दिया जाए, ठीक है। तो हम अपनी इस वेबसाइट पे दोबारा आते हैं, इंपोर्ट पे जाना है और कोई और इमेज आप सेलेक्ट कर लें। और इसी तरह आपने क्या करना है, ये वाला जो प्रॉम्प्ट है ये कॉपी करना है और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में आपने डाल देना है। इसके अलावा यहाँ पे नीचे जो नेगेटिव प्रॉम्प्ट है, जो आप जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, आपने इसको कॉपी करना है और सेम एज इट इज़ यहाँ पे जो भी कस्टम अगर देना चाहते हैं तो ये कस्टम सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे जनरेट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो कुछ ही सेकंड के अंदर ये जो उसी प्रॉम्प्ट के लिहाज से जो एआई है वो आपकी इमेज को एडिट कर देगा। और देखें इसका जो बैकग्राउंड कलर है या जो सेम है उसी की तरह का इसने कर दिया है और हर एक चीज़ इसकी चेंज कर दी है। इसके अलावा आप और भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, जैसे मैं इसको स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखाता हूँ। एक ये यूनिक चीज़ है तो इसकी जो प्रॉम्प्ट है इसको कॉपी कर लेते हैं। जैसे इसको कॉपी करना है और आपने अपनी नई इमेज अपलोड करनी है या जैसे भी आपका जो भी इसमें है, आपके पास जो भी इमेजेस हैं आपने इमेजेस को अपलोड करना है, प्रॉम्प्ट देनी है, ठीक है। और यहाँ पे नन कर दें क्योंकि हमारे पास नेगेटिव प्रॉम्प्ट अभी फ़िलहाल नहीं है, ठीक
ठीक है, आप टाइप कर सकते हैं, आप खुद से टाइप ना करें, क्योंकि जो प्रॉम्प्ट इन्होंने दी होती है वो काफ़ी परफेक्ट होती है। और ये देखें, एआई की मदद से उसने उस तरह का जो आपका था स्केच वो ड्रा कर दिया है। ठीक है, इसी तरह आप बहुत सारी इसमें इमेजेस हैं और साथ में इसके प्रॉम्प्ट्स भी हैं, आपने सिंपली उसको कॉपी करना है और वहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है। ठीक है, जैसे एक ये प्रॉम्प्ट मुझे अच्छी लग रही है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और एक नई इमेज के साथ मैं ट्राई करके देखता हूँ। यहाँ पे मैंने एक मैन की जो पिक्चर है वो अपलोड की है और इसके बाद यहाँ पे मैं जनरेट पे क्लिक कर देता हूँ। तो कुछ ही सेकंड के अंदर ये देखें, आपको यहाँ पे शो हो रहा है कितने सेकंड के अंदर इसने वो स्केच जो है वो ड्रा कर दिया है। ठीक है, तो ये लुक लाइक उस तरह का था। देखें जो फैक्ट बेसिकली यहाँ पे शो हो रहा है, जिस तरह की प्रॉम्प्ट होगी उसी तरह का ये टेक्स्ट जो है आपकी इमेज को बना देगा। इसको प्रीव्यू कर लें और यहाँ पे आपको डाउनलोड का भी ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, सेव चेंजेस में जाएंगे तो आपकी इमेज जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो आज की वेबसाइट किस तरह की लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में।